हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग साक्षी सविता ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। दोस्तों करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामना आप सभी के लिए, सबका करवा चौथ मंगल में हो दोस्तों। और आप भी दुआ करिए हमारा भी करवा चौथ मंगल में हो। और यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर सारी सफाई मैंने कर दी है। ये सारी सफाई हो चुकी है यहाँ पर, ये सीढ़ियों की झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया है दोस्तों। बस हम मेरा खाना पीना बनाना नहाना धोना रह गया है, ये सारी सफाई मैंने कर दी गई है। और यहाँ पर बस मैंने मेहंदी नहीं लगानी आती, नई मेहंदी लगाई, पूजा आएगी तो मेहंदी लगाएगी, आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेहंदी बस लगाई है, सलोचना ने आगे से हाथ खा लिया है, मेहंदी लगाना नहीं आता। और ये देखिए मेरी वेशभूषा कैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा बेकार वाली, जो नॉर्मली घर में रहती है ये वेशभूषा मेरी हो रखी है। और यहाँ बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, बाबू के लिए बना दिया है मैंने दलिया, और बाबू को मैं खिलाऊंगी दलिया, और बच्चों के लिए खिला दिया गया है। और दोस्तों तो मिलते हैं आपसे, काम सारा हो जाएगा। और मुझे आज मार्केट भी जाना है, और जो थाली और रहता है वो सजी हुई थाली वो मुझे लेके आनी है। कुछ सामान ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, नहीं लेके आई मैं अभी, क्योंकि कल था यहाँ पर मार्केट बंद, महीना बंद के दिन मार्केट बंद रहता है। तो दोस्तों देखिए ये मेरा पेड़ बढ़ने तो लग गया है, होने लग गया है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे भी कर दी है सफाई, और ये देखिए मनी प्लांट भी अच्छे से हो रही है, बाबू के लिए चड्डी पहना दें। और सारा काम हो चुका है, चप्पू ने भी दूध पी लिया है, और बस हमारा नहाना धोना रह गया है दोस्तों। और फिर हम उसके बाद जाएंगे मार्केट, और मेहंदी में लगवाऊंगी हाथों में। अच्छा क्यों पहनेगा? और मैं आज पहनने वाली हूँ दिन में ये रेड कलर की साड़ी, ये देखिए ये रेड कलर की साड़ी है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, गोटा पत्ती पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मोती वाली मुझे मम्मी ने दिलाई थी। और ये इसका ब्लाउज है, यहाँ पर देखिए, दिन में मैं पहनूंगी रेड कलर की साड़ी, और शाम को मैं पहनूंगी ग्रीन मेहंदी कलर की साड़ी है मेरे पास, उसको मैं पहनूंगी जो मैं न्यू लेके आई थी। आपको मैं दिखा देती हूँ मेरी साड़ी, ये वाली साड़ी मैं पहनूंगी दोस्तों, ये वाली। और ये मेरी साड़ियाँ हैं जो मैं डेली में यूज करती हूँ, ये साड़ी मैं डेली में यूज नहीं करती हूँ, बस मैंने एक दो बार पहनी है। और ये देखिए मेरी अलमारी इस तरह से मैंने जमाई हुई है। और ये मैं चूड़ियाँ लेके आई थी नई नई, बहुत सारी चूड़ियाँ लेके आई थी मैं, अब की बार मैंने बहुत सारी करवा चौथ की खरीदारी की थी। और ये मेरा सामान करवा चौथ का लगा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये साड़ी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों मैंने बना ली है सुबह में गाजर आलू की सब्जी, क्योंकि गाजर ये सब्जियाँ लेके आई थी कई सारी, लेकिन बच्चे बोल रहे थे मम्मी नहीं गाजर आलू की सब्जी खानी है, क्योंकि इस सीज़न की गाजर आलू की पहली बार बन रही है सब्जी। और दोस्तों बहुत टेस्टी होती है, लगती है अच्छी लगती है गाजर आलू की सब्जी, बस उसमें पानी ना करें, थोड़ा सा ही पानी करें जिससे वो पक सके, और उसके बाद उसको तेल में अच्छे से पकाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पर हमने बालों का मास्क बना के लगा लिया है, ये है सलोचना, और उसने भी अपने बालों में मास्क लगा दिया था बनाकर। और ये देख सकते हो हमारे दोनों के बाल किस तरह से हुए हुए हैं। और दोस्तों एक नंबर मास्क है घर पे, आपको घर मतलब आयुर्वेदिक तरीके से कंडीशनिंग करनी हो बालों में, सिल्की शाइनिंग बनानी हो, तो ये मास्क बहुत ज़्यादा असरदार है। और मेथी चावल कड़ी पत्ता और एलोवेरा चार चीज़ों से मिलके हमने ये बनाया है, और इतने सॉफ्ट और सिल्की बाल हो गए थे दोस्तों इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा, और बाल की ग्रोथ भी होती है, बाल झड़ते भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और पावरफुल होता है। और ये देखिए मेरी बन गई है बहुत ही टेस्टी लगने वाली सब्जी गाजर आलू की, मेरी फेवरेट सब्जी, और रोटियां भी बन रही हैं एक तरफ, तो उस काम झटपट से हो जाएगा क्योंकि हमें भी मार्केट जाना है और मेहंदी भी लगवानी है दोस्तों, इसलिए नहाना धोना काफ़ी सारा काम पड़ा है। और यहाँ पर हम पूजा आ गई थी और हम हो गए थे नहा धोकर फ्री, पूजा मेरे हाथ और पैरों में मेहंदी लगाई हुई है, और
मेहंदी भी सुंदर लगाई थी दोस्तों, अच्छी लग रही थी मेहंदी। और ये पूजा है, इसने भी रेड साड़ी पहनी हुई थी और मैंने भी दोस्तों रेड साड़ी पहनी हुई है, और मतलब अच्छी लग रही है, गजब जो बोलते हैं साड़ी रेड पे अच्छी लगती है करवा चौथ पे पहनना। और यहाँ पर ये देखिए, मैं नहा के तो आई थी, पिन मैंने साड़ी पिन अप कर ली थी, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ। और ये बज गए हैं शाम के 3, और यहाँ पर सुनने आ गए थे हम कहानी, क्योंकि शाम के टाइम कहानी सुनते हैं और यहाँ पर जल्दी सुन लेते हैं हमारे ससुराल में, तो मेरे ससुराल में इतनी जल्दी नहीं सुनते। और यहाँ पर मंदिर में आई थी मैं दोस्तों कहानी सुनने के लिए, और ये वही मंदिर है जहाँ पर मैं पहले रहती थी रेंट पर रूम में। और कहानी मतलब सबके साथ सुनना ही अच्छा लगता है, तो मैं आ गई थी कहानी सुनने के लिए, और बाबू भी सोया हुआ था उस टाइम, तो कहानी मैंने अच्छे से सुन ली। और ये पंडितानी आंटी हैं, और दोस्तों कथा सबने सुन ली है, और मतलब पंडित पंडितानी है तो मतलब मंदिर में कथा सुनते तो अच्छी ही सुनाते हैं, उन पे तो आती है, तो मतलब वो किताब में से नहीं सुनाते। और यहाँ पर कर रहे थे सब लोग पूजा कहानी सुनने के बाद, और सूरज देवता को अर्घ भी देना था। और यहाँ पर देखे दोस्तों सारी लेडीज कितनी प्यारी है और सुंदर लग रही हैं, किसी ने कैसी साड़ी पहनी हुई है, किसी ने कितनी कैसी साड़ी, लेकिन जो भी है अच्छी लगती हैं करवा चौथ के दिन सारी लेडीजें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और मैंने भी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर सबकी मैं वीडियो बना लूँ। और यहाँ पर सब लगे हुए थे अपनी अपनी पूजा करने में कहानी सुनने के बाद, और सबको जल्दी होती है दोस्तों, एक तो फास्ट, ऊपर से फिर काम भी लेडीजों को रहता है, तो टाइम से ही कहानी सुन लेते हैं। यहाँ पर तो हम भी मतलब मैं तैयार भी नहीं हो पाई थी दोस्तों, मुझे दूसरी साड़ी चेंज करनी थी, लेकिन मैं तैयार नहीं हो पाई थी, क्यों लेट हो गई थी मार्केट से आने में ही, मुझे 3 बज गए थे, और 3 बजे से कहानी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, तो इसीलिए। और ये देखिए मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, तो मैं भी अच्छी लग रही थी साड़ी में, ऐसा नहीं है, तो मेरी साड़ी भी अच्छी थी, मैं भी अच्छी लग रही थी, तो मैं वही उसी साड़ी में आ गई थी कहानी सुनने के लिए। बा, 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 बा। और यहाँ पर दोस्तों बच चुके हैं शाम के 7, और ये देखिए बच्चों की मस्ती चल रही थी, और मस्ती इसलिए चल रही थी क्योंकि पड़ोस में बज रहा था गाना, और गाना बजता है तो ये देखिए मेरा डुप्पी तो सबसे ज्यादा शरारती हो गया, और ये बार बार डांस करके नीचे गिर गिर के और नीचे गिर गिर के ये पैर उठा उठा के शरारते कर रहा था, बहुत ज्यादा शरारती हो गया है, और बहुत मतलब बता नहीं सकती, मैंने सोचा नहीं था ये मेरा बाबू इतना नटखट और शरारती रहेगा। और ये दोनों ही बच्चे मेरे शरारती हैं, लेकिन भाई छोटा चुटकू है जो बहुत ज़्यादा शरारती है, और ये सारे बच्चों का खेल चल रहा था, और थोड़ा खेल ऐसे है ना टाइम पास हो रहा था खेल। ये देखिए बच्चों की शरारत है, नीचे कौन है, अब आ जाइए नीचे, ये देखिए दोस्तों बच्चों की शरारत है, और मेरा ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला, ये छोटा पैकेट बहुत ज़्यादा शरारती है ये। और हम देखिए रेड साड़ी मैंने आज पहनी थी, पहननी कोई और थी, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला साड़ी चेंज करने का, कहानी सुनने लग गए, टाइम मैं साड़ी चेंज हो सकता है तो मैं साड़ी चेंज जरूर करूँगी, अब मैं एनर्जी फ्री रही, और ये देखिए शरारत है। और यहाँ तो बच्चों की शरारतें चलती रहेंगी, और मैं बना रही हूँ खाने में दोस्तों पनीर की सब्ज़ी, और यहाँ पर मैं मसाले को अच्छे से भून लिया था, पनीर तो सभी बनाना जानते हैं, मुझे कुछ मीठा वगैरह मतलब फास्ट रहते तो मुझे इतना नहीं खाया जाता,
तो इसीलिए मतलब मैं पनीर की सब्जी और पूरियां गर्मा गर्म बना दूंगी, जिससे पेट भर के भी खाना अच्छे से खा लेते हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी थोड़ी कम, मतलब इतने वो कमजोरी से, और यहाँ पर मैं हो गई थी तैयार। और यहाँ पर दोस्तों मैंने पहनी हुई थी ग्रीन कलर की साड़ी, जो मैं शाम को पहनने वाली थी कहानी सुनते टाइम, उस टाइम मैं नहीं पहन पाई, और अब मैं हो गई हूँ रेडी ये साड़ी पहनकर। और मैं इसी साड़ी को लेके आई थी न्यू, और मैं तैयार हो गई थी तो वीडियो बना रही थी, और वीडियो भी मैंने नॉर्मल बनाने को बोला था, और सलोचना ने वीडियो को स्लो मोशन में बना दिया। और ये चूड़ा भी मैं लेके आई थी, और रेड कलर का और ग्रीन कलर का था, लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था चूड़ा पहनने में। और ये देखिए, मतलब इतना अच्छा लगता है दोस्तों सजना संवरना, सारी थकान सारी भूख प्यास उठ जाती है। सस्ते सस्ते ही चांद निकल आया था, तो इसीलिए मैं मतलब तैयार होने लग गई थी टाइम से ही, कि टाइम से व्रत खुलने। और इसके पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो वो लेटे हुए थे, और उनको मैंने बाद में जगाया था, तो मैं खुद से ही लग रही थी तैयार होने। और नॉर्मल हो ही जाती है दोस्तों, इतना ज़्यादा तो मैं नहीं जानती मेकअप वगैरह करना, लेकिन तैयार हो जाती हूँ, काम चलाऊँ ठीक ठाक मेकअप कर लेते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है बात। पर दोस्तों मैं तैयार हो गई थी, लेकिन मैं अपनी हेयर स्टाइल बनाने सोच रही थी कैसे बनाऊं। और ये देखिए मेरे नटखट बाबू ने सारा सामान फैला दिया है, सारी जो नेल पॉलिश छुड़ाने की होती है वो उसने निकाल निकाल के निकाल दी है। और ये बहुत ज़्यादा शैतान है, सारा मेकअप यही पोत के ढोलता है मेरा, यानी इसने मेरा सारा लिपस्टिक वगैरह सारी ख़राब कर दी है, बहुत ज़्यादा शैतानी सा बच्चा हो गया है दोस्तों। और ये देखिए कुछ पिक्चर क्लिक की थी व्रत खोलने के बाद, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये मेरी दिन की है और ये मेरी रात की पिक्चर है दोस्तों। कितना आपको कैसी लगी पिक्चर कमेंट में ज़रूर बताएं, और एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए हमारी प्यारी सी पिक्चर।